रेप की बात कर रहे हैं, रोज मार कुटाई की बात होती है, महिलाएं आपस में हम सबके घरों में वो बाइयां जो काम करने आती हैं, हम अमूमन उनके यहाँ देखते हैं। जो यहाँ सब बैठी हैं वो बहुत एम्पावर्ड महिलाएं हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने थप्पड़ नाम की एक पिक्चर अभी आने वाली है ना, अभी आने वाली है 28 फरवरी। थप्पड़ का एक ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है और उसके साथ डिबेट स्टार्ट हो गया, ऑलरेडी डिबेट है स्टार्टेड और वो बहुत मौजूद डिबेट होने वाला है। आज उसके बारे में चर्चा मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि वो लड़की को उसका हस्बैंड थप्पड़ मारता है और उस थप्पड़ के बिना पर वो लड़की उससे डिवोर्स मांगती है। डिबेट ये है कि क्या सही या गलत, ये हम विषय बाद में करेंगे, पर आत्मसम्मान को लेकर जब चर्चा होती है तब क्या वो सुरक्षा और सुरक्षा रेप रेप तो बहुत बात की बात है, एज अटैक के पीछे की कहानियां भी बहुत अलग होती है। तो वी कम बैक टू दैट टॉपिक। वर्षा से एक बार प्रश्न पूछती हूँ, कानून मेरी मदद के लिए है या अड़चन डालने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कानून की जब तक आप ज्ञाता नहीं है तब तक आपके लिए कानून बेड़ी हो जैसा है। मेरे पास में जिस दिन भी लड़की आती है ये बोलती है कि आज मुझे हस्बैंड ने मारा, मुझे डाइवोर्स चाहिए, जैसा मैडम ने अभी बताया थप्पड़ पिक्चर की बात, ऐसे केसेस मेरे पास हर तीसरे दिन आते हैं और ये कहें कि दिन में 3 बार। अब जब दिक्कतें शुरू होती हैं तो शुरू होने के एक लेवल पर जब आ जाती हैं तब वो पैर मेरे पास तक आते हैं। गलती कहाँ से शुरू हुई कि वो जो पहला थप्पड़ था उसका जवाब नहीं दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जवाब देने के लिए खुद को मजबूत कैसे बने? तो खुद को मजबूत बनाने के लिए कानून जरूरी है। आप और मेरे जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं उन्हें तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बुक्स पढ़ लेते हैं। जैसा मैडम ने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कई स्लम एरियाज हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर उनको कानून के बारे में पता ही नहीं, उन जगहों पर जाकर कानून के बारे में बताना या उनको अवेयर करना या उसको अगर हम कर दें तो ये जो आप कानून की बेड़ियों की बात और ये सब कह रहे हो वो हो सकता है। अब इनके पक्ष में अगर हम देखें क्योंकि ये ज्वाला चलाती हैं, इन्हें ये पता है कि जिसको कानून पता है, रिसेंट में एक मैटर इन्होंने मुझे भेजा था, सिमरन जी जिनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे और उसके बाद भी वो लिटरेट है, फैमिली लिटरेट है, सब कुछ, उसके बाद भी उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था कि उसको लटकाने के बीच में हस्बैंड को पता नहीं क्या लगा कि वो खुद लटक गया और ये भाग गया। लिसन केयरफुली, वो चीज जो वो एक्सेप्ट करते जा रही थी करते जा रही थी करते जा रही थी, जब वो पहली बार अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो आज ये परिपाटी नहीं होती जो आज होता है। वो तो कानून भी जानती थी क्योंकि वो लिटरेट लेडी थी, वो ये भी जानती थी, थैंक यू सो मच, वो लिटरेट लेडी थी, वो ये भी जानती थी कि कानून क्या है। मैं अगर चले जाती हूँ पुलिस स्टेशन तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसने सब कुछ ट्राई किया लेकिन फिर भी वो एक चीज को भूल गई। एक छोटी सी बात कहूंगी, खुद को पोशीदा मत करो बंद कलियों की तरह, तुमको भी लोग फूल कहते हैं, महका करो फूलों की तरह। आप लोगों को ये पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है और हम उसको एक्सेप्ट किए जा रहे हैं तो कानून को देखना ही। मैं इसे इंटरव्यू करूंगी। आई कम बैक टू द क्वेश्चन। मेरे ख्याल क्वेश्चन से थोड़ा सा हटे, मैंने आपसे प्रश्न ये करा था कि कानून मेरी मदद के लिए है या मेरे लिए अड़चन बन जाता है। इसलिए अभी हम वो देख ही रहे हैं, हम निर्भया कांड के अभी तक जितने हैं उनको हम फांसी नहीं दिला पा रहे हैं। हम जानते हैं कि वो उन्होंने गुनाह करा है, हम जानते हैं कि गुनहगार कौन है, हम ये भी जानते हैं कि ये जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है ऐसे बहुत सारे कानून महिलाओं के भलाई के लिए सरकार ने बना दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबने खूब सारे कानून बनाए, लेकिन उससे मदद मिली कहाँ, कब मिली? और अगर वो नहीं मिल पा रही कानूनी दावपेच बीच में इस तरह के केसेस में उनकी मदद करते क्यों है? हमारा प्रश्न अभी भी शायद सबके मन में यही होगा कि ऐसे कानून का क्या फायदा जो गुनहगार को एक बार भी मदद के लिए आगे आ जाए, उस कानून का क्या फायदा? आपकी बात एक हद तक सही है, आप ऐसा लेमन सोचे तो आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि मैंने मुझे दिख रहा है कि इसने गुनाह किया है, सारी चीजें सामने हैं तो क्यों उसको सजा नहीं दी जाती। लेकिन कई बार जैसे हमारे यहाँ का एक नियम है कि एक बेकसूर को सजा न दे,
तो वही नियम को फॉलो करने के लिए एविडेंसेस जरूरी है, प्रक्रिया जरूरी है, कानून की एक 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 प्रोसीजर जरूरी है और उसको फॉलो करना हमारे लिए मजबूरी है। देरियां तो नहीं कह सकते, पर हाँ अगर 80% या 90% हम लोग कानून के फेवर में है और लड़कियों के लिए कानून, महिलाओं के लिए कानून उनके फेवर में है, तो कहीं ना कहीं 5% हम ये कह सकते हैं कि डिले इन जस्टिस होता है। ऑल्सो डिले इज जस्टिस डिनाइड, इज नो जस्टिस डिनाइड, इट इज अ डिले इन जस्टिस, इट इज एज गुड एज जस्टिस डिनाइड। सॉरी आई इंटरफेयर इन बिटवीन बिकॉज बहुत बहुत इस टॉपिक पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आई कम बैक टू रशा जी, रशा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एम्पावरमेंट में असुरक्षा को अगर हम जीत पा लेते हैं तो उसको एम्पावरमेंट कहा जाएगा, या आप कैसे एम्पावरमेंट को डिफाइन करेंगे, असुरक्षा और एम्पावरमेंट? वो इलाज है जो आपने बोला एम्पावरमेंट, वो असुरक्षा का इलाज है। अगर हम एम्पावर होते हैं जैसे एजुकेशन से, अब बहुत सारी बातें हैं जैसे आपने कहा कि कानून की जानकारी, अब जो भी हम बात कर रहे हैं थप्पड़ की या कोई भी वायलेंस जो महिला घर में अपने क्लोज घर के अंदर झेलती है, वो फिर वही बात आती है कि हमारे को सोच नहीं है कि अगर आप मार खाने के लिए खड़े हैं, तैयार भी हैं कि थप्पड़ मार दिया कोई बात नहीं। आपने कहा वो कोई लेडी है वो बहुत दिनों तक उस चीज़ को झेलती रही, क्यों झेलती रही? उन्हें नहीं झेलना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सोच में ये बात होती कि हम बराबर हैं, हमको अगर आप भी एक इंसान हैं मैं भी एक इंसान हूँ, हम मिलकर एक घर बनाते हैं, हम एक परिवार चलाते हैं, हम समाज के सामने उस परंपरा को जिसे आप कहते हैं उसकी आगे लेके जाना है, तो हमारे बराबर की उसमें शिरकत है। ऐसे में कोई एक इंसान ऊपर और एक इंसान नीचे कैसे होता है? तो वो जो एम्पावरमेंट है, जो शक्ति है आपके अंदर है, उसको अगर आपने जाहिर ही नहीं किया, आप अगर एक बार चुप, दो बार चुप, तीन बार चुप और फिर उसके बाद अल्टीमेटली विक्टिम बन के रहना, तो वो तो कोई इलाज है ही नहीं। खुद के अंदर एम्पावरमेंट तो पहली बात तो डेफिनेटली एजुकेशन है। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, जो चीज़ घर से शुरू होती है, संस्कारों की बात कि हम कहते हैं कि लड़का और लड़की बराबर हो, पर माफ कीजिएगा इसका भी सारा जिम्मा जो है वो महिला पर डाल दिया, माँ पर है, माँ सिखाई। सबसे पहले अगर कोई डिफरेंस करता है तो वो माँ करती है। द मदर इज द मेन कल्प्रिट, जो अपने बच्चे में डिफरेंशिएशन अगर कर रही है तो अब समय ये आएगा कि आप माओ को सिखाए कि वो डिफरेंशिएशन ना करे। समाज तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल, और जो माँ है वो ही तय कर सकती है कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी या नहीं देगी। वो बेटियों को मार देने की जिम्मेदारी भी बोल देते हैं भ्रूण हत्या, आप ही ने तो आप ही ने कंसीव किया था, आप ही ने उसको अबॉर्ट भी किया है। तो जो आपने कहा वो सच है, महिला की चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है, वो चाहे तो खड़ी हो सकती है। और मुझे तो लगता है ये जो जेंडर बायस वाली बात है, इसकी कॉन्फ्रेंस तो पुरुषों को करनी चाहिए, उनकी वजह से सारी दिक्कतें हैं, वो लोग खड़े होकर बात करें और कहें हमारी वजह से असुरक्षा क्यों है। मैं निर्मला जी से प्रश्न करना चाहूँगी, आप वापस इसी बात पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और बात मैं करना चाहती हूँ। अमूमन कहा जाता है कि 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज वुमेन, आज की तारीख में 50% जनसंख्या महिलाओं की है। मेरा उसमें एक और एडिशन है, बाकी 50% भी तो हमारे कारण है, तो हम तो 100% है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि कहना और होने में बहुत बड़ा अंतर है। कहने और होने में जो अंतर है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, उसी पे जा रही हूँ। वैसे मैं आपकी अदालत में हूँ तो आपके सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे डिफ्लेक्ट इसलिए होना चाहूंगी कि हम ये जो बहस कर रहे हैं इसका कुछ हासिल लेके ये हवा में ना बिल्कुल मैंने माइंड रीडिंग कर लिया। तो एक्चुअली कानून और प्रशासन क्या कर सकता है उसका सवाल कानून और प्रशासन और उससे जुड़े लोग देंगे। हम तो सिर्फ बाहर से सिर्फ यही कह सकते हैं कि कानून तो हमारे देश में पहले ही अच्छे हैं, लेकिन उनको त्वरित भी होना चाहिए, जो रिपोर्ट्स लिखते हैं पुलिस वगैरह वो भी ठीक से लिखी जानी चाहिए। लेकिन हमारे हाथ में जो बात है, आपने एम्पावरमेंट की बात की कि महिला ज़्यादा सुरक्षित कैसे हो सकती है, तो आप
अपनी ज्वाला नाम की संस्था में मार्शल आर्ट भी सिखाती हैं, ऐसा मुझे पता चला है ना? तो इसी से जुड़ी हुई बात मैं ये कहूंगी कि क्यों ना हम ऐसा करें कि स्कूल में लड़कियों को कराटे, मार्शल आर्ट और इस तरह की चीजें, उनकी जो बचाव की जो चीजें हैं, फिजिकली उनको स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज सिखाई जाए। और फिजिकल ट्रेनिंग में जैसे स्कूल में योग है या पीटी है, जहाँ स्विमिंग या खेल हो सकते हैं, वो चीजें उनको सिखाई जाए। हमारे देश में कुपोषण, महिलाओं के कुपोषण की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम यह नहीं चाहते कि हम एवोकाडो या कुछ एक्जोटिक फ्रूट्स की बात करें, लेकिन पहले के जमाने में लड़कियां इमली है या हरपा रेवड़ी है, कबीट है, ये सब चीजें खाते भी उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। तो हमारी लड़कियां फिजिकली स्ट्रांग बने, हर तरह से वो अलर्ट बने, वो चुस्ती फुर्ती वाली बने दैहिक रूप से, इस तरह की भी व्यवस्था होना चाहिए ताकि समय आने पर वो किसी भी चीज का मुकाबला कर सके। ऐसा मैं सोचती हूँ, दैट विल बी ए प्रैक्टिकल थिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।